खुशी हमको नहीं, एक खुशी तो पूरे सफगंज पंचायत की जनता की हुई है। जितनी भी हमारे पंचायत में सरकारी स्कूल है उस पर हम ध्यान देंगे कि टीचर लोग सही टाइम पर आते हैं नहीं आते हैं कितने। तो आप देख रहे हैं नज़र जनता न्यूज, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए जो बाके बाजार प्रखंड सफगंज पंचायत में मुखिया का उपचुनाव हुआ था, तो यहाँ पे मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यह विजेता है और किस तरह से इनको जनता सपोर्ट किए कि इस इनको अच्छा मंजिल मिला मुखिया पद में इनको आज हो गया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ और सभी सफगंज पंचायत को जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। सर आप मुखिया प्रत्याशी में आप जीत चुके हैं, जितने के खुशी में कुछ जनता लोग के अपने बारे में कुछ बताइए। जीतने की खुशी में खुशी हमको नहीं, एक खुशी तो पूरे सफगंज पंचायत की जनता की हुई है और सफगंज पंचायत की जनता जो इतना बड़ा उपलब्धि हमको दी है, मैं उन लोग को विश्वास के साथ, उन लोग को विश्वास जितना हम पर किए हैं पूरे विश्वास के साथ उन लोग को सहयोग करेंगे जी। तो देखिए मुखिया जी अभी जीते हैं, कल जो परिणाम घोषित किया गया जिनमें जीते हैं तो ये बोल रहे हैं कि जितना जनता के जो समस्या रहेगा उनको ज़रूर सुनेंगे सुलझाएंगे। तो आप बताइए सर कि जो जीते हैं जनता लोग के क्या क्या आप समस्या को सुलझा सकते हैं। घूमे होंगे जब रैली में तो समस्या तो ज़रूर आपको सुनने को मिला होगा कि ये समस्या है। हाँ तो देखिए मैं एक अंकल हैं और मैं इनसे बात करता हूँ कि क्या इनको बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। आप इनको जानते हैं? हाँ इनको तो जानते हैं, गाँव का आदमी है। वो आपका गाँव के आदमी है? हाँ। तो आप जो ये जीते हैं तो विश्वास है कि ये पूरा काम कर देंगे? हाँ इन पर तो विश्वास है, इसलिए तो सब जनता जिताया जी। जब विश्वास नहीं रहता तो जनता जीते भी नहीं करता। सही बात है। तो इस पर इनके पर विश्वास है, हम लोग का काम करेंगे ये। सर एक बात और थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरा एरिया जो है रूरल एरिया है, अब यहाँ पे एजुकेटर लाइन बहुत लो है, तो एजुकेशन लाइन पे आप कुछ बताइए, कुछ सुधार कीजिएगा। एजुकेशन लाइन में जो आप कह रहे हैं उस पर भी हम खरा उतरेंगे। जैसे जितनी भी हमारे पंचायत में सरकारी स्कूल है उस पर हम ध्यान देंगे कि टीचर लोग सही टाइम पर आते हैं नहीं आते हैं, कितने लड़के हैं, लड़के लोग का जनसंख्या है नहीं है, ये सब सारा मुद्दा पर हम मनो ध्यान देंगे। हाँ सर, जो अभी मेरा बिहार का जो एजुकेशन है बहुत लचीलापन है और सरकारी स्कूल में तो और बहुत ज़्यादा लचीलापन हो गया, उसको एकदम आप सोच लिए कि सुधारेंगे? हाँ मैं सोच रखा हूँ और उस पर पूरा विचार करूँगा और पूरा उस पर खरा उतरने का काम करूँगा जी। तो देखिए ये अगर एजुकेशन लाइन पे सुधार देंगे तो बहुत अच्छी की बात है। और मेरा एरिया में सर थोड़ा सा एथी वे प्ले जो खेल होता है खेल में भी बहुत सा कमी है, तो बच्चे लोग के आप किस तरह से उनको थोड़ा सा करिएगा कि खेल में भी आगे बढ़े? हाँ जितने भी बच्चे हैं वो अभी सबसे ज़्यादा क्रिकेट का माहिर होल हैं जी। जितने भी बच्चे हैं वो अभी सबसे ज़्यादा क्रिकेट का माहिर होल हैं जी। ठीक है ना, अच्छी बात है और प्रोत्साहन लड़कन को मिलना चाहिए और उस पर जितना बनेगा हमसे वो लड़कन को खेल सामग्री से प्रोत्साहित सबके करेंगे और पूरा उस पर ध्यान देंगे जी। सर अपना थोड़ा सा शॉर्ट में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुदाम पासवान हुआ, घर आजमगढ़ सफगंज पंचायत का रहने वाला हूँ जी। न्यू मुखिया बने? हाँ चुनाव इस बार उपचुनाव में जीते हैं जी। तो आप देख रहे थे नज़र जनता न्यूज, जय हिंद।